ਕਿਨੇ ਮਾਰੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਤੋਰੀ ਫੀਗੀ ਅੰਗੀਆ ਓ ਰੰਗ ਰਸੀਆ ਅਰੇ ਰੰਗ ਪਰਦੇ ਅਰੇ ਰੰਗ ਪਰਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਅਰੇ ਰੰਗ ਪਰਦੇ ਦੇਖੇ इस साल की शुरुआत में मेरा एक वर्क गोल था कि मुझे हर महीने कम से कम एक नई जगह पे ट्रेवल करना है, एक्सपीरियंस करना है। और पिछले कई महीनों में मुझे बहुत जगहों पे घूमने को मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे पता है कि आई एम नॉट इन द बेस्ट प्लेस ऑफ माई लाइफ वेयर आई लाइक टू बी इन, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, विल हैव टू एक्सपीरियंस वॉट एवर इट इज। तो कई जगहों से थॉट मेरे पास आया कि क्यों ना अपने लाइफ के इस पार्ट को हम डॉक्यूमेंट करें, ताकि 5-10 साल बाद हम हमारे दोस्त जब उन चीज़ों को देखें तो उन चीज़ों को टच कर पाएँ, फिर से एक्सपीरियंस कर पाएँ, महसूस कर पाएँ फिर से। अब रोज़ नहीं कर सकते, ठीक, वीकली नहीं कर सकते, ये भी ठीक, लेकिन इतना इफर्ट तो डाल ही सकते हैं कि मंथली एक वीडियो डॉक्यूमेंट करके हम डाल सकें। और इसी थॉट से हमने उठाया अपना कैमरा और कर डाला उन सभी मोमेंट्स को रिकॉर्ड जो हमने मार्च में किए। 28 फरवरी की रात को हम गए काशी, बनारस, वाराणसी, क्योंकि 1 मार्च को था महाशिवरात्रि और हम लोग सुबह ही दर्शन करना चाहते थे शिव जी का, महादेव जी, विश्वनाथ जी का। हमारे साथ हमारे कुछ प्रिय मित्राज आलोक और प्रभात थे और उनके साथ घर से मम्मी और मौसी। बनारस पहुंचने के बाद वहाँ स्टेशन पे हम लोग थोड़ा रुके और थोड़ा हमने फोटोज भी क्लिक की, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन इतना सुंदर उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो कुछ फोटोज हमने वहाँ पे क्लिक की। और उसके बाद निकल दिए दशाश्वमेध घाट, वहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और रात के 12 बजे के बाद, मतलब 1 मार्च की सुबह को, अर्ली सुबह नहीं, वेरी अर्ली सुबह को, हमने वहाँ पे गंगा जी में स्नान किया और उसके बाद तैयार होके राजा बाबू बन गए विश्वनाथ बाबा की तरफ। लगभग 1:30 बजे लाइन लगाने के बाद सुबह 6 बजे जाके दर्शन मिला। मेरे लिए ये थोड़ा जो विजिट रहा विश्वनाथ जी का बनारस का, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा, क्योंकि भीड़ बहुत थी और जल्दी जल्दी सब इधर उधर करना पड़ा। अंदर फोन्स अलाउड नहीं थे, लेकिन इसी तरीके से मांग उंग के कुछ अंदर के जो लोग थे जो लाए थे फ़ोन, उनसे मांग उंग के फ़ोटोज़ हमने क्लिक की और यादगार फ़ोटो क्लिक की एकदम सेंटर में पीछे विश्वनाथ जी का मंदिर और हम लोग यादगार। और इसी तरह हमने स्पेंड किया महाशिवरात्रि का दिन अपने कुछ क्लोज लोगों के साथ। हमारे पास टाइम की बाउंडेशंस थी और इस वजह से हम वहाँ पर रात नहीं रुक पाए। और एज आई सेड अर्लियर कि ये मेरा विजिट जो था बनारस का, वाराणसी का, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा और आई विश कि इन फ्यूचर हम जा पाएँ उस महादेव की धरती पर, उस पावन धरती पर, उस शिव की धरती पर, उस काशी की धरती जा पाए। और फिर उसके बाद हुए 2 क्विक इवेंट्स, पहला संडे वीकली मिलन और दूसरा प्रभात का नया 4। पहला संडे वीकली मिलन इन आर टेम्पल, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और गए डीके। नहीं जानते डीके क्या, बताते हैं डीके। अब यहाँ से क्या प्लान है, बस एक पुश्तैनी रेस्टोरेंट डीके में फोन बंद आ रहा एक न्यूज चैनल को नाम बता रहे यार।
डीके में मोस्ट अफोर्डेबल जौनपुर वर्ल्ड फेमस टेस्टी मंचूरियन राइस हमने खाया। उसके बाद फिर घर तैयारी हो गई खाने की, तैयारी पूरी हो गई। और दूसरा प्रभात का नया फोन सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। 5G फील कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस चाय का चुस्की लो निकला जाए। हाँ जल्दी चलते हैं। चीयर्स। चीयर्स। और 13 मार्च नेक्स्ट संडे को हम गए एक शिव मंदिर धर्मापुर में। कहाँ? धर्मापुर। तो अभी हम लोग कहाँ हैं, क्या नाम है? धर्मापुर। धर्मापुर आए हैं और थोड़ा सा पुण्य करने, ऑफ कोर्स अलोंग विद आलोक शिवम एंड प्रभात। लेकिन इस बार साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से। थोड़ा पता चला इस मंदिर के बारे में कि जो जौनपुर के शासक रहे हैं, राजा रहे हैं पहले, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, पानी के बीचों बीच में है, चारों तरफ इसके पानी है जिसपे मछलियां हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुंदर है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगी कि इसको मेंटेन नहीं किया गया है। अब दिक्कत है, ठीक है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं जौनपुर के, प्रशासन वाले हैं जौनपुर के, वीडियो अगर देखें 1 साल 2 साल या 5-10 साल बाद, कभी भी देखें, 100-200 साल बाद देखें, तो कोशिश करना कि उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके। ऐसे मंदिर मुझे पर्सनली दिखे नहीं बहुत, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर थोड़ा देख लें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ना। थोड़ा उसको टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी बना सकते हैं अगर थोड़ा अच्छा खासा पैसा उसमें डालें। ये मेरे विचार थे, ठीक है। ज्ञान ख़त्म, अब बढ़ते हैं आगे। और फिर उसके बाद आया 17 मार्च, द होली होली डे। दिस वॉज माई बेस्ट होली एक्सपीरियंस। और उस दिन मुझे फीवर होने के बावजूद भी मैं रोक नहीं पाया और खूब होली खेली। और जिस तरीके से हो सकता था, अबीर से, गुलाल से, पानी से, कलर से, गोबर से, रोड की मिट्टियों से, दोस्तों के साथ डांस कर करके, एक जगह पे नहीं कईयों जगहों पे जाके डांस कर करके हमने इस समय को, इस इवेंट को एक्सपीरियंस किया, सेलिब्रेट किया। और जितनी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते थे कैमरे में हमने किया, और जितनी चीज़ें नैतिक लगी मुझे इस वीडियो में डालने में हमने डाला। तो कोई ऑफेंड मत हो जाना। इस महीने के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले महीने में। कोशिश करेंगे कि कुछ और एडवेंचरस करें, कुछ और अलग करें। तो अगले महीने का जो वीडियो हो वो काफ़ी अच्छा हो और आप इन्जॉय कर पाएं उस चीज़ को। वीकली शॉर्ट्स हम कोशिश करेंगे पोस्ट करते रहें अगर अच्छी जगहों पर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महीने। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।